नमस्कार दोस्तों, सर्दी आ गया है। आज मैं चटपटा नाश्ता लेके आई हूँ, आलू चॉप। किचन में ही आपको सारा सामान मिल जाएगा, जो अभी की ताजी सब्जियां हैं। 2 मिनट में फटाफट काटिए और बना लीजिए चटपटा नाश्ता। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। 100 ग्राम बेसन, 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल, गाजर 1 मीडियम साइज, 5 से 7 मटर के ग्री और बीन्स 5 से 7 मैंने पहले से धो के और छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, और अजवाइन और मंगरेला जिसे कलौंजी भी कहते हैं, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, अदरक और मिर्चों को कूट के हमने रखा है, चाट मसाला 5 से 7 बॉयल किया हुआ आलू। तो अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। पहले आलू को हम छिल के मैश कर लेंगे। इस तरह सारे आलू को आप मसल लीजिए, एकदम इसमें गुलठी नहीं होना चाहिए। बिना तेल के टेस्टी नाश्ता बनाइए। अब हम इसमें कटा हुआ सारे सामान को मिक्स कर देंगे, जो हमने पहले से काट के रखे थे। ये लहसुन और मिर्चा का पेस्ट और ये चाट मसाला भी, अजवाइन और मंगरेला भी हम इसमें डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार आप डाल लीजिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, चारों तरफ से चला के और अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे कलर के लिए। ये नाश्ता बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। आप सुबह जल्दी उठें और उठते हैं तो बच्चों को टिफिन में भी बना के फटाफट दे सकते हैं। तब तक हम अपने ट्रे को गर्म होने के लिए गैस पर रख दिए। अब हम मसाले तैयार करिए। अब बेसन के घोल को तैयार करेंगे, इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसको तैयार करेंगे। इसमें भी बिल्कुल गुठली नहीं होना चाहिए और ना ये पतला ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी को डाल। देखिए कितना चिकना स्मूथ एकदम बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी और ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी एकदम बिल्कुल थोड़ा सा। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है फ्रेंड, तो आप और भी लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम ये आलू को ऐसे गोल गोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसमें डिप करेंगे बेसन में। बेसन में डिप करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल को डाल लेंगे, लगा लेंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ही। गैस को एकदम लो कर लेंगे और एक एक इसमें ऐसे डालेंगे। अब आप इसको 2 तरह से भी बना सकते हैं। कढ़ाई में इसको तल के भी बना सकते हैं, जैसे हमने थोड़ा सा तेल दिए हैं और कढ़ाई गर्म होने दीजिए। ये आपको हमने दोस्त ये बता रहे हैं, अगर आप बेक करके खाना चाहते हैं तो इस तरह बेक करके खाइए, अगर आप तल के खाना चाहते हैं तो ये फ्राई भी हो जाता है जल्दी। तेल गर्म हो गया, अब हम इसको इसमें डालेंगे। इस तरफ गोला बना के ही इसमें भी हम डालेंगे। आपके जैसा मन करे आप वैसे फटाफट बनाइए और खाइए, और गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखिए और बीच बीच में इसको पलटते रहिए। थोड़ा अंदर से पक जाए तब इसे पलटिएगा। ये समोसे से भी ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगा। इस तरह इसको बीच में पलट दीजिए और गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखिए। ये हमने 5 मिनट के बाद देखिए उपलट के इसको हमने फ्राई कर लिए, तल लिए। ये हमारा फटाफट तैयार हो गया। अब आप इसको प्लेट में निकाल के
सर्व कर सकते हैं। दोस्तों कोई गेस्ट आए तो आप 2 मिनट में इसे तैयार करके और उनको खिला सकते हैं। तो इस तरह एक बार पलट लेंगे, पलट के उसी तरह फिर थोड़ी देर 5 से 7 मिनट इसको बेक होने देंगे। सारे को आप इसी तरह हाथ की सहायता से पलटे। इस तरह हमने पलट के इसको तैयार कर लिया। बिना तेल का हमारा पकौड़ा बन के तैयार हो गया। अब आप इसे सॉस के साथ किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं और बच्चों को टिफिन में हेल्दी फूड दे सकते हैं। ये हमारा चटपटा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। ये बिना तेल का हेल्दी नाश्ता और ये फ्राई, आप जैसे भी चाहें बनाएं झटपट और खाएं। अगर हमारा डिश अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर लिखिए।